बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ फ्रीलांसिंग वर्सेस ऑनलाइन बिजनेस इन पेशावर। स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादातर आके ये सवाल पूछते हैं कि सर हमें फ्रीलांसिंग करनी चाहिए या ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आना चाहिए। तो देखिए मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ऑनलाइन बिजनेस के अंदर भी आप अर्निंग कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, और फ्रीलांसिंग के थ्रू भी पैसे कमा सकते हैं। ये दो अलग माइंड सेट्स हैं। अगर आपका माइंड जॉब का माइंड सेट है, आप चाहते हैं कि मैं कोई कारोबारी हैसल नहीं करना चाहता और बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, चाहे छोटी सी भी इन्वेस्टमेंट हो, और वो सारे काम मैं खुद नहीं करना चाहता, बस मैं मुझे कोई काम दे दे, मैं किसी का जाके प्रोजेक्ट का कंप्लीट कर लूँ, कोई काम कर लूँ, उसी के लिए कंप्यूटर पर बैठ के काम कर लूँ और मुझे वो काम के पैसे दे दे, कारोबार मैंने नहीं करना, तो फिर आपके लिए फ्रीलांसिंग अच्छी है। फ्रीलांसिंग में स्किल सीखिए, मुख्तलिफ स्किल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग कमाल का स्किल है जो हमारे पास सिखाया जाता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाया जाता है, इसके अलावा वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट भी सिखाई जाती है। तो अगर आप ये कोर्सेस करेंगे तो इस कोर्स को करने के बाद जो है आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, किसी और के लिए काम कर सकते हैं, किसी और के लिए काम करेंगे और वो आपको उस काम के पैसे देगा। ऑनलाइन दुनिया के अंदर आप कंप्यूटर पर बैठ के ही काम करेंगे, उसको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देंगे, तो उसको कहते हैं फ्रीलांसिंग, और ये आप करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, ये हो गई फ्रीलांसिंग। अब ऑनलाइन बिजनेस में ये है कि उसके अंदर आपको सारे काम फिर खुद करने पड़ते हैं। जो फ्रीलांसर तो सिर्फ एक काम कर रहा होता है, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस करना है तो उसके अंदर फिर आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। उसमें फिर आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी और अपने बिजनेस जो है वो बनाना पड़ेगा, मेहनत भी ज़्यादा करेंगे। बिजनेस बनाने के अंदर मेहनत ज़्यादा लगती है, बिजनेस खड़ा करने के लिए मेहनत ज़्यादा लगती है। तो जब मेहनत ज़्यादा लग रही है बिजनेस खड़ा करने के लिए, फ्रीलांसिंग के अंदर मेहनत कम है, बिजनेस के अंदर मेहनत ज़्यादा है, लेकिन बिजनेस के अंदर फिर आगे रिटर्न भी ज़्यादा है। बिजनेस के अंदर आप फिर आगे जाके फ्यूचर के अंदर अर्निंग भी ज़्यादा कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। जब आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। फ्रीलांसिंग के अंदर भी अर्निंग होती है, लेकिन बिजनेस तो बिजनेस है, बिजनेस जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो एक्सट्रीमली ज़्यादा हो जाता है। तो ये दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं और ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं। बस फ़र्क ये है कि आपका शौक किस चीज़ के अंदर है। जिस चीज़ में आपका शौक होगा आपको वही काम करना चाहिए। अगर ऑनलाइन बिजनेस का शौक है, बिजनेस चाहते हैं कि मैं खुद अपना बिजनेस बिल्ड करूँ, टीम बनाऊँ, अपने साथ लोग इकट्ठे करूँ, तो फिर आपको बिजनेस करना चाहिए। अगर आपका बिजनेस का माइंड सेट नहीं है, शौक नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ काम करूँ और काम करके ही पैसे कमा लूँ, तो फिर आपके लिए फ्रीलांसिंग है। तो इसको कहते हैं फ्रीलांसिंग एंड ऑनलाइन बिजनेस। ये दोनों ऑनलाइन बिजनेस भी हम अपनी एकेडमी के अंदर सिखाते हैं। लीडरशिप एकेडमी है, द लजाक रोड पे हमारा एकेडमी है, बिल्कुल एमसीबी बैंक के ऑपोजिट पेशावर के अंदर। ये पूरा का पूरा आपको ऑनलाइन बिजनेस के कोर्स भी कराए जाते हैं और साथ ही साथ फ्रीलांसिंग के कोर्स भी कराए जाते हैं। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको क्या पसंद है, आपको वही करना चाहिए जो आपको पसंद हो।